वेलकम बैक टू चैनल। एंड गाइस, सबसे पहले मैं आपको टाइम दिखाना चाहूँगा। अभी बज रहे हैं 6:30, तो शाम के 6:30 बज चुके हैं यहाँ पे। और गाइस, जनरली अगर आप बाइक की सर्विसिंग करने जाते हैं तो क्या होता है कि सुबह के 9 बजे के अराउंड आपको बाइक देनी होती है और शाम तक वेट करना होता है कि आपकी जो बाइक है वो सर्विस होकर के आपको मिल जाए। बट शाम के 6:30 बजे मैं आया हूँ रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर में ये बोलने के लिए कि सर मुझे ट्रिप पर निकलना, तो बाइक की सर्विसिंग हो जाएगी क्या? एंड गेस व्हाट, वो देखिए वहाँ पे अपनी मेटियोर की सर्विस हो रही है। तो अभी कुछ देर पहले वहाँ पे 4-5 लोग थे, सब मिलकर के फटाफट अपनी बाइक को रेडी कर रहे हैं। तो ये चीज़ देख करके यार बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि शाम को तो 6 बजे भी आराम से जो है सर्विसिंग जो है वो मतलब स्टार्ट हो रही है। मतलब मैंने अपने पूरे लाइफ में ऐसा तो मैं ऐसा तक देखा नहीं है भाई इतना फास्ट रॉयल एनफील्ड सर्विस कैसे कर रहा है। बट ऑल थैंक्स टू सुखमनी मोटर्स, जो कि सिचुएटेड है जस्ट मेरे शॉप के बगल में, इनका ये सर्विस सेंटर है। तो अभी नया नया खुला ही है इन लोगों का, बहुत ही हेल्पफुल गाइज है ये लोग। सब इनको मतलब जो मैकेनिक है उसको रोक करके ये लोग करवा रहे हैं मेरा काम अभी। तो चलिए अब नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या बाइक्स में चेंज हो रहा है और कितना खर्च आने वाला है फर्स्ट सर्विस में मेटियोर के। हाँ बताइए भैया, क्या होगा? मोबिल होगा, मोबिल मॉइल फिल्टर। ओके, और टाइपिट कवर होता है, पैकिंग ठीक है। और चेंज होगा, हाँ, और चैन मिला दिया जाएगा, ठीक है, कलच मिला दिया जाएगा, ठीक है, टायर प्रेशर चेक कर दिया जाएगा। ओके, और लुब्रिकेंट कर दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, इसमें टोटल खर्च कितना गिरेगा? 3400 होगा ना, आपने बताया 4400 रुपए का लूप चैन लूप के साथ पड़ता है। अच्छा, एस्टिमेट आपको 3600 रुपए का दिया गया है। 3600 रुपए का एस्टिमेट पड़ता है इसमें। ज़्यादा काम इसमें हाइड्रोलिक टैपिट मिला जाता है सर्विस के, फर्स्ट सर्विस के जब भी करवाइएगा सेकंड में आपका कुछ खर्चा नहीं आएगा, नॉर्मल चेकअप होगा, डिस्पेट क्लीन करा दिया जाएगा। और डिस्पेट खराब होगा तो उसमें 3000 रुपये का आगे का है। अच्छा, पीछे का 3200 रुपये करीब में डिस्पेट है इसका। अच्छा, मतलब पार्ट जो महंगा नहीं है इसका, डिस्पेट थोड़ा है कॉस्टली, मेरी बाकी बाइक से बहुत सस्ती डिस्पेट है इसके भाई। तो और कितना देर लगेगा इसमें? मतलब मेरे हिसाब से 40-45 मिनट में हो जाएगा। कंपनी का लिमिट है कम से कम 30 से 35 मिनट में। ओके, हम लोग 40 से 45 मिनट में ओवर करके देते हैं। तो शाम के 6 बजे गाइस मैं यहाँ पे आया था सर्विसिंग के लिए और यहाँ पे सर्विसिंग हो रही है बाइक की। 40-45 मिनट में बाइक भी जो है वो रेडी हो जाएगी। ये आपका सर्विस किट है। सो गाइस, ये रहा सर्विस किट जिसमें पूरा का पूरा इसमें जो पार्ट लगने वाला वो है। क्या है? ऊपर टैपेट है, गैस्किट है ऊपर। ओके ठीक है, ठीक है। और क्या क्या इसमें? रोकर कवर ऑयल सील है, ठीक है, ठीक है, स्मॉल फिल्टर है। अच्छा, ये सब कुछ चेंज होने वाला है इसमें। इसका कॉस्ट पड़ता है 1455। अच्छा, ये पूरे का ना? सीलेंट है आपका गैसकेट। अच्छा, ये अलग से आता है 140 रुपए का, ठीक है। और बाकी ये जो सर्विस किट है वो 1445 का है, इसके अंदर इंक्लूड होता है। अच्छा ठीक। सो गाइस, अपनी मेटियोर जो है वो सर्विस होकर के आ चुकी है और मात्र 45 मिनट्स में सर्विसिंग जो है वो की गई है। तो ये रहा बिल उसका, तो चलिए आप इसको पढ़ते हैं एक बार कि क्या क्या खर्च हुआ है इसमें। इसमें एक सीलेंट लगा है जो कि है 140 रुपीज का, देन एक चेन ल्यूब एंड क्लीनर किट 500 ml जो कि 100 रुपये चार्ज किया इन्होंने। बेसिकली क्या हुआ था ना कि चेन का जो क्लीनर था बस मैंने उसको क्लीन करवाया है, बिकॉज हम जो है वो पोटोलाइन का जो ड्राई ल्यूब होता है वो करते हैं यूज़, तो उसका 100 रुपये चार्ज किया इन्होंने। फिर 10W50 इंजन ऑयल ये लगा है 2011 रुपये का। एंड देन सर्विस किट 500 किलोमीटर्स का जो आता है, बेसिकली उसमें एक टाइपेड का जो रबर वाला होता है वो होता है, आपने वीडियो में पहले देखा रहेगा, वो आया है 1455 रुपये का। तो टोटल बिल है 370
6 रुपीज का, जो कि टैक्स वैक्स जोड़ वोड़ करके ये बन चुका है 3706 रुपीज का, मतलब इंटायर बिल जो है वो जनरेट किया गया है। गाइस बिल तो एक साइड है, मतलब 3700 रुपया खर्च हुआ है फर्स्ट सर्विस में, जो कि ज्यादा नहीं है, बट गाइस सर्विसिंग से ना मतलब मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि आपको मात्र 45 मिनट्स में रॉयल इनफील्ड वालों ने सर्विस करके मेरी बाइक जो है मुझ तक पहुंचा दी। सो गाइस अगर आपको ये सर्विसिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपडेट्स आते रहेंगे, स्टे ट्यून्ड।